नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कंचन टीवी पर। होली मिलन कार्यक्रम विजय पाल एडवोकेट के द्वारा किया गया, काफी भव्य कार्यक्रम किया गया। सबसे पहले होली मुबारक हो। होली मुबारक, सारे अच्छा रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी यहाँ पर है, चाहे गौ सेवा आयोग चेयरमैन शरण गर्ग जी भी पहुंचे हैं, बड़े बड़े बिट्टा जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, नगर चेयरमैन है। क्या कहेंगे साहब? देखिए, आज 23 मार्च है, अब शहीदी दिवस है। पहले हमने शहीदों को नमन किया है, जिन्होंने वजह से आज हम ये गुलालों की बहुत बढ़िया होली खेल रहे हैं, और जिन्होंने देश के आज़ाद कराने के अंदर अपने प्राणों की आहुति दी। और आज होली की पूर्व संध्या पर सफीदो हलके के वासियों ने होली मिलन कार्यक्रम के अंदर पहुंचकर जो मेरा हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं। खासकर अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, पत्रकार साथियों का, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद मेरे श्रवण जी, हमारे सुख दुख के साथी, जो गौ सेवा आयोग के चेयरमैन गौ बरगा भाई, तो उनका भी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन है। और निश्चित रूप से होली का अर्थ होता है भाई, जो कुछ पीछे ओलिया व ओलिया, इसका मतलब होली तो ओली, तो ईव जो आगे होएगा वो त्यौहार होएगा, रंगों का त्यौहार होगा, रंगों के त्यौहार। और जो भाईचारे को एक, जो मैं कहता हूँ कि भाईचारे को बढ़ाने का, जो पीछे की कोई कमी रह रही है उसको ठीक करने का ये होली का त्यौहार है। और होली फाग के इस अवसर पर पूरे देशवासियों को राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान समिति के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते बहुत बहुत बधाई। जो होली के दिन बड़े जो हुड़दंगबाजी होती है, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से त्यौहार को हमने सभ्य तरीके से मनाना चाहिए, और अब बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है, अब सभ्य तरीके से त्यौहार भी मनाए जाने लग गए हैं। और निश्चित रूप से अपवाद कहीं भी हो सकता है, लेकिन आज होली और फाग कोई भी त्यौहार हो, उसको अपनी मर्यादा में रहकर उमंगता के साथ मनाना चाहिए। एडवोकेट साहब, आपने कहा कि जो होली सो होली, यानी आपका इशारा किस ओर था? जो वोटें पहले छिटक चुकी थी, जो होली अब उनको साधने के लिए कार्यक्रम था? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि वोटों के साधने का कार्यक्रम था, ये तो गपशप और एंजॉय करने का कार्यक्रम था, इसलिए हमने कोई इसमें ज़्यादा राजनीतिक बात भी नहीं करी। और राजनीतिक व्यक्ति हैं तो एक आध बात तो भाई जरूर होगी, नहीं वो तो होनी भी चाहिए, लेकिन ये होली के बाद तुरंत बाद लोकसभा की तैयारी के लिए जुट जाएंगे? निश्चित रूप, हम तो होली से पहले जुटे हुए पड़े हैं भाई, कि हमारी तो एक महीने की पहले ही खत्म क्यों करे वाको बात है, हम तो जुटे पड़े हैं भाई और कंटिन्यू है। दो दिन सभी लोग त्यौहार मनाएंगे और त्यौहार का आनंद लेंगे, इसी त्यौहार को आगे बढ़ाते हुए आगे चुनाव वाला त्यौहार फिर गुलाल फिर यहीं पर आपको जी। 4 जून को 400 पार के साथ हम फिर यहाँ पे गुलाल लगाएंगे। बहुत 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 होली की बधाई। श्रवण जी, क्या कहेंगे आज यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी अलग ही रंग, आप अलग ही अंदाज आज देखने को? सबसे पहले तो होली की सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, सभी पत्रकार बंधुओं को भी होली की बधाई। इसी के साथ साथ आज शहीदों के लिए भी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का फांसी का दिवस, उसके लिए शहीदों को नमन, और पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का दिन है कि जो बुराइयां हैं उसको समाप्त कर अच्छाइयों की ओर बढ़े। और कमल भी कीचड़ में से खिल चुका है जी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश 400 पार की ओर से बढ़ रहा है, और जो बुराइयाँ थी वे धीरे धीरे देश में से घट रही है जी। और देश तरक्की के रास्ते पकड़ रहा है। तो होली का उत्सव है, खुशी का उत्सव है, सभी मिलकर खुशी मनाएं और अच्छाई के रूप में खुशी मनाएं, और जितनी कमियां और बुराइयां हैं उसको अपने अंदर से निकालें। और होली पे हुदड़ंग की जो बात अभी कर रहे थे आप, हुदड़ंग की अपेक्षा फूलों की होली खेलो, गुलालों की होली खेलो, प्यार की होली खेलो, प्रेम की होली खेलो, सब मिलजुल के होली मनाओ। और सभी को सुबह पुनः शुभकामनाएं। और कौन से रंग से खेली जाए ये भी बता दीजिए, कहीं भगवा रंग की ओर इशारा तो नहीं है? ऐसे भगवा होली तो पूरा देश ही मना रहा है, 400 पार की बात कर रहा है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और रंग सभी प्यारे हैं, और सभी रंगों का महत्व है जी, और सभी का सम्मान होना चाहिए। चलिए, आखिरी बार जो हल्का वासियों किस तरह का संदेश? हल्का वासियों के लिए मेरा एक ही संदेश है, ये होली पूरे हल्के के लोगों में खुशियाँ लेके आए। भाई विजयपाल जी ने यह आयोजन किया, सभी कार्यकर्ता बंधु आए और सभी ने मिलजुल के इस होली को मनाया, सभी पत्रकार बंधु आए, सभी के सुख समृद्धि और अच्छे जीवन की कामना के साथ ही मैं इस होली की शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रिया।
आप देख रहे हैं यहाँ पर, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर बात की जाए जनता की तो खूब सारी कुर्सियाँ यहाँ पर लगी हुई थी लगातार, आप देख रहे हैं। तो आप बने रहिए कंचन टीवी के साथ, क्योंकि जहाँ भी होली के कार्यक्रम होंगे, फाग के कार्यक्रम होंगे, तो हम आपको वो कवरेज भी दिखाएंगे। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ।